स्थान दिया गया और आज ये मेरा सौभाग्य है। प्रियंका जी ने जो 40% महिलाओं को जो टिकट दी है उसके कैंडिडेट पंखुड़ी जी जो नोएडा से प्रत्याशी है कांग्रेस के, उसके प्रचार करने मैं आया हूँ। भगवान शिव के मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। एक कठिन दौर है कोरोना का, कोरोना का प्रोटोकॉल भी पालन करना है, जो निर्वाचन आयोग के निर्देश है उसे हमको पालन करना है और सबको सुरक्षित भी रखना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, प्रियंका जी ने जो बात कही कि 40% महिलाओं को और महिलाओं के लिए अलग से जारी की, उसके साथ साथ उन्होंने प्रतिज्ञाएं की है किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, उसे हम सबको पूरा करना है। मुख्य रूप से बात यही है कि एक तरफ जातिवादी व्यवस्था के पक्षधर हैं तो दूसरे तरफ धर्म आधारित राजनीति करने वाले लोग हैं, आम जनता की बात कोई नहीं कर रहा। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी आम लोगों की बात, जनता की बात, नौजवानों की बात, किसानों की बात, व्यापारियों की बात, महिलाओं के, दलितों की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। हमारी पार्टी सरकार में आती है तो उन सारे प्रतिज्ञाओं को हम पूरा करेंगे, जबकि ये लोग अपने सत्ता में आने के लिए ये बात कर रहे हैं। आज आपने आप कैंपेन शुरू करी है, इनके जीतने का आपके उम्मीदवार जीतने के चांसेस कितने हैं नोएडा से? अभी कैंपेन शुरू हुआ है और जीतने के पूरे चांसेस हैं। सर, आधी आबादी को लेकर जो घोषणा की है वो कितनी जमीनी स्तर पर प्रभावी रहेगी? बिल्कुल प्रभावी होगी, उसके टिकट वितरण से शुरुआत इसकी हुई उत्तर प्रदेश से। सर, इस बार किसी से गठबंधन नहीं है, इस यूपी का जो समीकरण है सर, किस तरीके से देखते हैं उसको? देखिए, छोटे छोटे गठबंधन हुए और जो गठबंधन करके पिछले समय आए थे वो कैसे भरभरा के गिरा है वो आप देख सकते हैं। सर, अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार सारी पार्टी जो है वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। वो अखिलेश जी को भ्रम है, 4-4.5 साल तो निकले नहीं, अब वो जनता के बीच आए हैं।